तेलंगा नर्सिंग एकेडमी, आज मैं आपके लिए फिर से न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ जो कि राजस्थान CHO से है। जैसा आप सभी को पता है कि राजस्थान CHO का क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हो रहा है, ठीक है। 1 तारीख को जो है वो सेकेंड जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर 1 तारीख को है सेकेंड वाला और 2 तारीख को है थर्ड वाला, ठीक है। तो इसका जो है वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, तो आप जाके मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूँगी, तो आपने जाके रोल नंबर वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जिनका सलेक्शन हो गया है उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगी, क्या क्या फैसिलिटी उनको दिया जा रहा है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं खास उनके लिए जिनका जो है सलेक्शन हो चुका है, ठीक है, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर के द्वारा ये जो है नोटिफिकेशन निकाली गई है, 29 जनवरी के ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, समस्त प्राचार्य राजकीय एवं स्वास्थ्य राजकीय एवं निजी क्षेत्र में संचालित समस्त नर्सिंग स्कूल नर्सिंग कॉलेज राजस्थान के द्वारा है। विषय क्या है, शासकीय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण संचालन हेतु स्टडी सेंटर के लिए सहमति पत्र चलाने बाबत, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा दिया गया है कि आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग के जितने भी अपडेट हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे डालूँ आप तक तुरंत सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे कि उपरोक्त विषयानुगत लेख की है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा ब्रिज कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्सिंग का संचालन किया जाना है। इस कोर्स हेतु राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा प्रशिक्षण के उपयुक्त पूर्व सुविधायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्टडी सेंटर का चयन किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनका स्टडी सेंटर का चयन किया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको जाना है करके। इस हेतु उक्त दिशा निर्देशानुसार आपसे संलग्न शपथ पत्र पर साथ में सहमति चाही गई है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जहाँ प्रशिक्षण करेंगे उसके लिए आपको सहमति पत्र यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अतः आप उस ब्रिज के कोर्स से प्रशिक्षण हेतु निम्न सुविधाएँ रखते हैं तो अपनी सहमति अतिशीघ्र 3 दिवस में भिजवाने का श्रम करें, ठीक है। अगर आप उसमें रहना चाहते हैं तो आपको 3 दिन में यहाँ पे भेजना है। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं देख लेते हैं, लगभग 60 परीक्षार्थियों के लिए शिक्षण हेतु उपयुक्त क्लासरूम एवं बेंच जो है, मतलब एक क्लास में 60 स्टूडेंट रहेंगे। और प्रशिक्षण हेतु 6 माह का आपका प्रशिक्षण के लिए परीक्षार्थियों के लिए आवासीय सुविधा, तो यहाँ पे आवासीय में आपको क्या क्या पूर्ण सुविधा जैसे कि भोजन, बिजली, पानी, टॉयलेट सुविधा, स्वच्छ वातावरण आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब खाने से लेके पीने से लेके हर चीज़, टॉयलेट वगैरह सब हर सुविधा आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्लिनिकल अनुभव के लिए चिकित्सा सुविधा भी दिया जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आपको हॉस्पिटल भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अपना वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। देन परीक्षार्थियों के शिक्षण हेतु अनुभवी MSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, Post-BSc नर्सिंग एवं उचित अनुपात में टीचिंग फैकल्टी और नॉन टीचिंग फैकल्टी भी उपलब्ध है। तो वहाँ पे क्या आपको MSc BSc एंड Post-BSc नर्सिंग के जितने भी टीचर्स फैकल्टी हैं, टीचिंग फैकल्टी, वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा और नॉन टीचिंग फैकल्टी भी वहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। देन फिफ्थ में COVID-19 के नियमों के अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी, तो आपको COVID-19 का जितना भी आपको प्रिवेंशन है, प्रिकॉशन है, वो सबको आपको वहाँ पे लेना है, ठीक है। देन संस्था के निरीक्षित मय छात्रावास के निरीक्षित पश्चात छात्र आवंटित किए जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, संस्था के निरीक्षण मय छात्रावास के, मतलब आपको वहाँ पे फिर आवंटित किया जाएगा कि आपको कौन से छात्रावास में रहना है करके। उक्त बिंदु के आधार पर संलग्न शपथ पत्र पर आपका सहमति पत्र अपेक्षित है ताकि उस कोर्स को संचालित नियम समय पर किया जा सके। तो यहाँ पे आप अपना शपथ पत्र भी दोगे ताकि वो आगे जो है वो आगे बढ़ सके, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रजिस्ट्रार जो है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा ये है, नोट जो है शपथ पत्र निजी संस्थान द्वारा भिजवाया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शपथ पत्र दिया है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्टडी सेंटर संबंधित शपथ पत्र। ये शपथ पत्र में देख सकते हैं यहाँ आपको नाम अपना भरना है, पिता का नाम, कॉलेज का नाम, पूर्ण पता, जिला, राज्य, यहाँ पे आपको शपथ पत्र फिर यहाँ पे आपको डालना है। मैं इस संस्था का इस पद पे वर्ष इतना संचालन कर रहा हूँ। तो यहाँ ब्रिज को हेतु को शिक्षण यहाँ पे पूरा दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सत्यापन पे आपका नाम, सिग्नेचर वगैरह चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट में भी देख सकते हैं आप, नोट उक्त प्रारूप का शपथ पत्र संस्था प्रधान द्वारा
₹500 के लिए स्टाम्प पेपर पर लॉटरी द्वारा सत्यापन करवाकर सहमति पत्र के साथ संलग्न करना है। तो आपको ये जो सहमति पत्र है उसको ₹500 के स्टाम्प पेपर के साथ इसको आपको अटैच करके वहाँ पे संलग्न करना है, ठीक है, सबमिट करना है। तो ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कवर की है, ठीक है। तो आपको इसमें यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक क्लासरूम दिया जाएगा जिसमें 60 स्टूडेंट रहेंगे, साथ में आपको वहाँ पे खाने का, पीने का, रहने का, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आने जाने का हर चीज़ का यहाँ पे आपको सुविधा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी जिनको लिए, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए ये बहुत अच्छी अपडेट है, ठीक है। तो और आपको शपथ पत्र भी देना है, उस पर ज़रूर ध्यान दें। तो ये थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर की है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।